हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मेरा नाम है चाइक और आप देख रहे हैं टेक एज के। आज हम बात करेंगे ई सिम के बारे में, तो देखते रहिए ये वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर आपके पास आईफोन का 10s मैक्स मॉडल है या 10s है या 10R है, इन तीनों में से कोई सा भी मॉडल है, आप अपने फ़ोन में ई सिम यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं ई सिम के बारे में। इंडिया में दो ही कंपनियाँ ई सिम प्रोवाइड कराती हैं, एक तो एयरटेल और दूसरा जियो। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं एयरटेल की। अगर आपके पास एयरटेल का प्रीपेड नंबर है तो आपको ई सिम अवेलेबल नहीं होगा अभी, क्योंकि एयरटेल वालों ने पोस्टपेड नंबर पर ही ई सिम अवेलेबल किया है अभी। तो अगर आपके पास पोस्टपेड नंबर है तो आप ई सिम अवेलेबल करा सकते हैं अपने नंबर पर। आपको सिंपली एक मैसेज करना है, ई सिम टाइप करके आपको 1 to 1 पे भेजना है और आपके पास एक्टिवेशन के लिए मैसेज आ जाएगा उनका रिप्लाई में। और आपके नंबर पर जो भी रजिस्टर्ड मेल आईडी होगी उस पर एक मेल आएगा एयरटेल की तरफ से, जिसमें आपका QR कोड होगा जिसे आप स्कैन करके अपनी ई सिम एक्टिवेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपके पास एक कॉल भी आएगा एयरटेल की तरफ से, जो उनकी पॉलिसी है आपसे कंफर्म करने के लिए कि आपने ई सिम के लिए अप्लाई किया है या नहीं किया। तो अगर आप उसको एग्री करते हैं तो आपकी ई सिम एक्टिवेट हो जाएगी। तो दोस्तों आपकी ई सिम को एक्टिवेट होने में 5 मिनट से 4 घंटे तक का वक्त लग सकता है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं जियो की। अगर आप जियो में अपना ई सिम कराना चाहते हैं तो आप प्रीपेड में भी करा सकते हैं और पोस्टपेड में भी करा सकते हैं। जियो ने दोनों में ही अवेलेबल करा दिया है ई सिम। तो दोस्तों अगर आप जियो में अपना ई सिम कराना चाहते हैं या न्यू कनेक्शन लेना चाहते हैं, उसको ई सिम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपको जियो के स्टोर पर जाना पड़ेगा। आपको वहाँ जाके एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, उसके बाद आपको एक QR कोड दिया जाएगा, उसको स्कैन करके आपकी ई सिम एक्टिवेट हो जाएगी। तो दोस्तों मैंने जियो में ई सिम करा लिया है अपना, आप देख सकते हैं मेरे फ़ोन में वोडाफोन और जियो दोनों ही नंबर हैं। तो दोस्तों जियो का भी वही प्रोसेस है, आपको 5 मिनट से 4 घंटे तक का समय लग सकता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम ऐसी वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, गुड बाय।